हाय गाइस, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अदिति जैन आज आपको इस वीडियो में कुछ खास बताने वाली हूँ। हम सबको अपने गांव जाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे हमारे वहाँ दादी दादा रहते हों, नानियों नाना रहते हों, हमें वहाँ जाकर एक अलग ही आनंद मिलता है वहाँ जाके। आज मैं आपको मेरे गाँव पर निबंध बताने वाली हूँ। यह करीब करीब मेरे गांव जैसा ही है, जो मेरा गांव है उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने गांव के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। आप इसे स्कूल्स में, एग्ज़ाम्स में, फ्रेंचाइज कंपटीशन में, किसलिए भी जाओ यूज़ कर सकते हो। ये लर्न करने में बहुत ईजी है और छोटा है और एकदम हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में लिखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड द लाइंस। मेरे गांव का नाम रामपुर है, तो यहाँ पे आप अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। यह है शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और शुद्ध है। यहाँ के लोग हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर से नहीं, मिट्टी से खेलते हैं। अब गांव में 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था है। मेरे गांव में अस्पताल और पोस्ट ऑफिस भी है। यहाँ लोग सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाते हैं और खेतों में चले जाते हैं। लोग शाम को चौपाल पर बैठकर आपस में चर्चा करते हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे खेत और पेड़ हैं। मेरे गांव में बारिश आने पर नाचते हुए मोर दिखाई देते हैं। यहाँ पुराने रीति रिवाज और त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। जब भी छुट्टियाँ होती हैं मैं वहाँ जाने के लिए आतुर रहती हूँ। मुझे अपने गांव से प्यार है और मुझे यहाँ खुशी और आराम मिलता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। कुछ चीज़ें मैंने मेरे गांव के हिसाब से, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि गांव का नाम, किलोमीटर और जेंडर के हिसाब से, जैसे मैंने उतार के लिए आतुर रहती हो तो आप अपने जेंडर के हिसाब से भी कुछ कुछ यहाँ चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।